बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कीटोजेनेसिस, यानी कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कीटोन बॉडीज कब बनती है, जब हम में कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी और इंसुलिन का लेवल कम हो या फिर फैट की इंटेक रिलेटिवली ज़्यादा हो। तो इन चार कंडीशन में कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन रिलेटिवली ज़्यादा होती है। अगर कीटोन बॉडी को बनाना है तो कीटोन बॉडी को बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स होते हैं, यानी सबसे पहले टैग की हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। हाइड्रोलिसिस का मतलब लाइपोलाइसिस करवानी पड़ेगी। इसके बाद क्या कराना पड़ेगा, जो फ्री फैटी एसिड्स बने लाइपोलाइसिस से बने होंगे, उन फ्री फैटी एसिड को डाइवर्ट करना है बीटा ऑक्सीडेशन के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये फैटी एसिड किसी और पाथवे की तरफ शंट ना कर जाए। इसके बाद फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल कोए मिलता है। एसिटाइल कोए को हमने डाइवर्ट करना है किसकी तरफ, कीटोजेनेसिस की तरफ, क्योंकि एसिटाइल कोए सिट्रिक एसिड साइकिल की तरफ भी जा सकता है। तो हमने किसी तरह एसिटाइल कोए को TCA साइकिल की तरफ जाने नहीं देना, बल्कि उस एसिटाइल कोए को कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करना है। यानी कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन में तीन स्टेप्स की रेगुलेशन हो रही है। पहले स्टेप की रेगुलेशन कहाँ पर होगी, टैग के लेवल पर, दूसरी होगी फ्री फैटी एसिड के लेवल पर, और तीसरी होगी एसिटाइल कोए के लेवल पर। तो हम पहले रेगुलेशन पढ़ लेते हैं टैग के लेवल पर, कि हमने ऐसी कंडीशन जो कि टैग की हाइड्रोलिसिस करवाती है, यानी लाइपोलाइसिस की रेट को बढ़ा देती है, वो कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन को भी रिलेटिवली बढ़ा देगी। वो कौन कौन सी कंडीशंस होते हैं उसको देख लेते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंट्रोल है एडिपोज टिश्यू में लाइपोलाइसिस का। इस डायग्राम में लेफ्ट साइड पर हम देख सकते हैं कि एडीनालाइल साइक्लेस दिखाया होगा। एडीनालाइल साइक्लेस का फंक्शन होता है कि ATP से साइक्लिक AMP प्रोड्यूस करना। साइक्लिक AMP अगर प्रोड्यूस हो जाए तो वो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है। साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज ये किसी और प्रोटीन के फॉस्फोरिलेशन कराएगा। ये किसकी फॉस्फोरिलेशन कराएगा, ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की कराएगा। अगर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज की फॉस्फोरिलेशन हो जाए तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाता है, और अगर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज अगर एक्टिव हो जाए तो ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल को डाईएसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करा रहा है, और डाईएसाइल ग्लिसरॉल को मोनोएसाइल ग्लिसरॉल में, बाकी जो मोनोएसाइल ग्लिसरॉल होगा उसको फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कराने के लिए एक और एंजाइम होगा, उसका नाम होगा 2-मोनोएसाइल ग्लिसरॉल लाइपेज। कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे जो लाइपोलाइसिस का है, इसको कुछ हार्मोन एक्टिवेट करते हैं, कुछ हार्मोन इसको इनहिबिट करते हैं। हार्मोन के अलावा कुछ दूसरे इंटरमीडिएट्स भी होते हैं। सबसे पहले हम इंसुलिन का एक्शन देख लेते हैं। इंसुलिन चाहती है कि मेरी मौजूदगी में ग्लूकोज से ही एनर्जी मिले टिश्यू को, वो फैट के ऊपर डिपेंड ना करे। इसका मतलब इंसुलिन लाइपोलाइसिस को इनहिबिट करेगी। इंसुलिन कैसे इनहिबिट कर रही है, इंसुलिन पहले तो एडीनालाइल साइक्लेस एंजाइम को इनहिबिट कर रही है नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। दूसरा, इंसुलिन एक प्रोटीन फॉस्फेटेस लाइपेस फॉस्फेटेस को एक्टिव कर रही है, और लाइपेस फॉस्फेटेस क्या कराएगा, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस ए की डीफॉस्फोरिलेशन। और अगर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस की डीफॉस्फोरिलेशन हो जाए तो ये एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तीसरा, इंसुलिन क्या करा रही है, इंसुलिन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्शन को एंटागोनाइज कर रही है, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पॉजिटिव फीडबैक सेंड करिए किसको, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस ए को, जो कि एक्टिव फॉर्म है, लेकिन इंसुलिन इसके एक्शन को एंटागोनाइज करेगी। तो इंसुलिन तीन तरीकों के जरिए इस एक्शन को इनहिबिट कर रही है। पहला, एक्चुअली चौथा तरीका ये लिखा हुआ है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को भी एक्टिव करिए इंसुलिन। और फॉस्फोडाइएस्ट्रेस वो एंजाइम है जो साइक्लिक AMP को 5 AMP में कन्वर्ट कराता है, यानी साइक्लिक AMP का फंक्शन को ख़त्म कर देगा। तो इंसुलिन चार तरीकों के जरिए लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर रही है। पहला, एडीनालाइल साइक्लेस को इनहिबिट करके, फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को स्टिमुलेट करके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्शन को एंटागोनाइज करके, और लाइपेस फॉस्फेटेस के एक्शन को स्टिमुलेट करते हुए। अब दूसरे हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर ACTH, TSH और ग्लूकागोन, ये भी लाइपोलाइसिस को प्रोमोट करते हैं। ये लाइपोलाइसिस को प्रोमोट इस तरह करते हैं कि एडीनालाइल साइक्लेस को स्टिमुलेट करते हुए। नेक्स्ट कम एपिनेफ्रिन एंड नोरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन भी लाइपोलाइसिस को बढ़ा देती हैं। ये कैसे बढ़ाती है, यह भी एडीनालाइल साइक्लेस को एक्टिव करके। और अगर एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन के एक्शन को ब्लॉक करना हो तो इनको एक्शन को ब्लॉक करने के लिए कुछ ड्रग्स होती हैं, इनको बहुत कहते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर्स अगर हम यूज़ करें तो बीटा ब्लॉकर्स लाइपोलाइसिस के रेट को क्या कर देगी, इनहिबिट कर देगी। कैसे कर देगी, बीटा ब्लॉकर्स एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन के एक्शन को ब्लॉक कर देगी। इसके अलावा अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा है तो थायराइड हार्मोन दो काम करेगा। थायराइड हार्मोन एक तो एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन के लेवल को स्टिमुलेट करता है, यानी इनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा। दूसरा, एक थायराइड हार्मोन फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को इनहिबिट कर रहा है। फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को इनहिबिट करने की वजह से साइक्लिक AMP अपना एक्शन ज़्यादा देर तक परफॉर्म करता रहेगा। तो थायराइड हार्मोन एक्चुअली लाइपोलाइसिस को बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं, एपिनेफ्रिन और नोरएपिनेफ्रिन के सेंसिटिविटी लेवल को बढ़ाकर, और दूसरा फॉस्फोडाइएस्ट्रेस को इनहिबिट करके। लाइपोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है तो लाइपोलाइसिस ज़्यादा होने के नतीजे में फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा।
और अगर फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो फ्री फैटी एसिड्स नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपने ही प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे। ये इनहिबिट करते हैं फ्री फैटी एसिड हार्मोन सेंसिटिव लाइपेस ए को, जिसकी वजह से मजीद लाइपोलाइसिस नहीं होगी। फ्री फैटी एसिड एडिनालाइल साइक्लेस को भी इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एडिनालाइल साइक्लेस को एक्टिव कर रहे हैं, और अगर इनके एक्शन को एंटागोनाइज करना हो तो हम इनहिबिटर और प्रोटीन सिंथेसिस इस्तेमाल करें, इनहिबिटर्स। तो वो इनहिबिटर्स ग्रोथ हार्मोन, और यही इनहिबिटर्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्शन को भी एंटागोनाइज करते हैं। इसका मतलब अगर हम ऐसे इनहिबिटर दें जो प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करें, ब्लॉक कर दें, तो ये ग्रोथ हार्मोन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों के एक्शन को एंटागोनाइज करेंगे, और दोनों के एक्शन को एंटागोनाइज करने का मतलब लाइपोलाइसिस के रेट को इनहिबिट करना। नाइट्रोजिनस बेसिस जस्ट लाइक मिथाइल ज़ैंथिन, इसमें एग्जांपल कौन सी होगी, कैफीन की, थियोफाइलिन की और थियोब्रोमीन की। ये नाइट्रोजिनस बेस भी क्या करती है, ये लाइपोलाइसिस साइक्लेस को बढ़ा देती है। ये कैसे बढ़ाती है, एक्चुअली ये मिथाइल ज़ैंथिन या कैफीन ये फॉस्फोडाइस्टरेज को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी अपना फंक्शन ज़्यादा देर तक परफॉर्म कर सकता है। दूसरी तरफ मिथाइल ज़ैंथिन ये क्या करेगी, ये एडिनोसिन के एक्शन को एंटागोनाइज करेगी। एडिनोसिन नॉर्मली क्या करता है, एडिनालाइल साइक्लेस को इनहिबिट करता है, लेकिन अगर मिथाइल ज़ैंथिन हो तो मिथाइल ज़ैंथिन एडिनोसिन के एक्शन को एंटागोनाइज करेगी। तो इसका मतलब अगर कैफीन ज़्यादा हो तो एडिनालाइल साइक्लेस की अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा होगी, और लाइपोलाइसिस का रेट भी रिलेटिवली ज़्यादा होगा। दूसरे कंपाउंड्स जस्ट लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 निकोटिनिक एसिड, ये भी इंसुलिन की तरह एडिनालाइल साइक्लेस को इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइपोलाइसिस का रेट भी कम होगा। तो ये थी पहली रेगुलेशन जो टैग के लेवल पे थी, यानी हमने ऐसे फैक्टर पढ़े जो लाइपोलाइसिस को बढ़ा रहे थे और लाइपोलाइसिस को इनहिबिट कर रहे थे। ऐसे फैक्टर जो लाइपोलाइसिस को बढ़ा रहे थे वो फ्री फैटी एसिड के लेवल को भी बढ़ा रहे थे, और चाहे फीडिंग स्टेट हो चाहे वो फास्टिंग स्टेट हो, लीवर करता क्या है, लीवर तमाम फ्री फैटी एसिड जो रिलीज होते हैं लाइपोलाइसिस के थ्रू उसमें से 30% रिजर्व कर लेता है, किसके लिए, कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन के लिए। इसका मतलब ऐसे फैक्टर जो लाइपोलाइसिस के रेट को बढ़ा देंगे वो कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन को भी रिलेटिवली बढ़ा देंगे। सेकंड टाइप की रेगुलेशन आती है फ्री फैटी एसिड के लेवल पर। अब लाइपोलाइसिस तो होगी तो फ्री फैटी एसिड तो रिलीज हो गए। फ्री फैटी एसिड के बाद दो रास्ते हैं, या तो वो बीटाऑक्सीडेशन करे या फिर वो स्टेरिफिकेशन परफॉर्म करे। अगर वो बीटाऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा तो एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होगा, और अगर एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होगा तो कीटोजेनेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर फैटी एसिड्स स्टेरिफिकेशन में जाएगी, स्टेरिफिकेशन में जाने से वो टैग में और फॉस्फोलिपिड में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरह वो कीटोन बॉडी की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो हमने किसी तरह ये करना है कि हमने फ्री फैटी एसिड को बीट ऑक्सीडेशन में धकेलना है, डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने के लिए एक रेगुलेटरी एंजाइम होता है बीट ऑक्सीडेशन का, उसको बोलते हैं हम कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज, या फिर इसको हम CAT1 भी बोलते हैं। ये एंजाइम है, इस एंजाइम की जो एक प्रोडक्ट होती है इसको इनहिबिट करती होती है, वो होती है मेलोनाइल कोए। और मेलोनाइल कोए कहाँ से प्रोड्यूस होता है, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज से। अगर हम कुछ इस तरह से करें कि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दे तो मेलोनाइल कोए का लेवल भी कम होगा। अगर मेलोनाइल कोए का लेवल कम होगा तो ये कार्निटिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 यानी CAT1 को इनहिबिट नहीं कर सकेगा। अगर CAT1 इनहिबिट नहीं होगा तो वह बीट ऑक्सीडेशन को, फैटी एसिड की बीट ऑक्सीडेशन को परफॉर्म कराएगा, और फैटी एसिड की बीट ऑक्सीडेशन होगी तो एसिटाइल कोए का लेवल भी ज़्यादा होगा, और अगर एसिटाइल कोए का लेवल ज़्यादा होगा तो कीटोन बॉडी का लेवल भी ज़्यादा होगा। ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब स्टार्वेशन होती है। स्टार्वेशन होती है तो उसका मतलब ग्लूकोज का लेवल कम होता है। ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगी, लाइपोलाइसिस ज़्यादा होगी तो फ्री फैटी एसिड का लेवल भी ज़्यादा होगा, और फ्री फैटी एसिड का लेवल अगर ज़्यादा होगा तो वो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करेगा। एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज अगर इनहिबिट हो गया तो मेलोनाइल कोए का लेवल भी कम, मेलोनाइल कोए का लेवल कम तो पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 की इनहिबिशन भी कम होगी, जिसकी वजह से बीटा ऑक्सीडेशन का रेट ज़्यादा होगा और कीटोजेनेसिस का रेट भी ज़्यादा होगा। अब बारी आती है थर्ड टाइप ऑफ रेगुलेशन जो एसिटाइल कोए के लेवल पे होती है। अब एसिटाइल कोए भी आ गया तो एसिटाइल कोए के पास दो रास्ते हैं, वो या तो TCA साइकिल में जा सकते हैं और वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या फिर वो कहाँ पे जा सकता है, वो कीटोन बॉडी के प्रोडक्शन में भी जा सकता होता है। अगर फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगी तो एसिटाइल कोए का लेवल भी ज़्यादा होगा। अगर एसिटाइल कोए का लेवल ज़्यादा होगा तो एसिटाइल कोए पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करेगा और पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा। इसके नतीजे में ऑक्सैलोएसीटेट का लेवल ज़्यादा होगा। जो ऑक्सैलोएसीटेट पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज से प्रोड्यूस हुआ वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा बजाय TCA साइकिल के। जब वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, TCA साइकिल में इस्तेमाल नहीं होगा, तो आपने TCA साइकिल के इंटरमीडिएट्स को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। दूसरी तरफ फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी, फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होगी तो NADH के मोल्स भी ज़्यादा होंगे, तो NAD+ ओवर NADH की रेशियो क्या होगी, कम होगी, यानी NADH का लेवल ज़्यादा है। और NADH के ज़्यादा लेवल होने की वजह से ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो ऑक्सैलोएसीटेट मैलेट में कन्वर्ट हो गया
तो ऑक्सैलोसिटेट की कमी होगी, और ऑक्सैलोसिटेट कोई बचा ही नहीं कि एसिटाइल को ऐसे रिएक्शन करके टीसीए साइकिल में एंटर हो सके। इसकी वजह से आपने टीसीए साइकिल के इंटरमीडिएट्स को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से एसिटाइल कोए टीसीए साइकिल में नहीं जाएगा बल्कि वो कीटोजेनेसिस के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये थी कीटोजेनेसिस की रेगुलेशन जो हम 3 स्टेप पे होती है। पहला स्टेप क्या पे था? टैग पे। दूसरा था फ्री फैटी एसिड के लेवल पर। तीसरा था एसिटाइल कोए के लेवल पर। बस इतना ही हमारा टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।